which of the following tissues has dead cells? Sclerenchyma. Find out the incorrect statement. Please, इसको ध्यान से. Parenchyma tissue have intercellular spaces? है? ठीक है, incorrect बतानी है हमने. Colenchyma tissues are irregularly thickened at corner? क्यों नो? Parenchyma में intercellular space बनाया था. वहां पे thick बनाते हैं. Colen. हाँ, pectin. Apical and intercalary meristems are permanent tissue. वो meristematic है क्योंकि apical और intercalary apical roots पे और tip नीचे shoots पे और roots पे present है. ठीक है, they help in the growth. तो वो divide होते हैं. तो ये कह रहे हैं कि वो permanent है. वो permanent नहीं है. तो false statement ये है. अगली भी देख लो. Meristematic tissues in early stages lack vacuoles. ये सही है. लेटर ऑन आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. गर्थ ऑफ द स्टेम इन एक मिनट. गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू. फिर नहीं कर रहे. कल भी यही क्वेश्चन गलत आपने बोला था. गर्थ ऑफ जो स्टेम है दैट इंक्रीजेस ड्यू टू द लेटरल. कल भी मैंने ये पूछा था. इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब्स दैट डाइजेस्टिव फूड एंड मटेरियल. डाइजेशन आ गया, एब्सॉर्प्शन आ गया. कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? अभी मैंने ऑप्शन नहीं बोली, एक जनरल बोलो. गिव मी द जनरल व्यू. अगर एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन है, मेन फंक्शन ऑफ एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन किस में करा था हमने? एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन मेन फंक्शन किस वाले टिश्यू में करा था? एपिथेलियल में. उसका मेन फंक्शन ये लिखवाया था मैंने सभी का कि एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ठीक है, आपको कह रहा है इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एंड मटेरियल. व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कोल्यूमिनर, स्पिंडल, क्यूबॉइडल. इंटेस्टाइन में टिश्यू कौन सा फॉर एब्सॉर्प्शन? वो स्किन वाले गए ऊपर में. कोल्यूमिनर, स्पिंडल, क्यूबॉइडल. ये किसका मेन फंक्शन करवाया था? कॉल्यूमिनर. कॉल्यूमिनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट. अब याद रखना, इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड एब्सॉर्प्शन कहाँ कौन सा कर रहा है? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम. अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ द हैंड बट डिसलोकेटेड. विच फॉलोइंग अमंग. उसने आंसर बोल ही दिया. दैट इज द. क्या होगा जब आपका हैंड बोन्स ब्रेक हो गई तो बोन्स में तो आपके पास क्या हुआ वहां पे? लिगामेंट्स ब्रेक. व्हाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग यू मूव योर ऑर्गन्स लाइक हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो आपको वैसे इसमें पता ही है कि आपके पास कौन से मसल्स हैं यहाँ पे. वॉलेंट्री. अदर नेम वॉलेंट्री. आपकी लेग्स और आर्म्स मूव कर रहे हो तो कौन सी है ये? स्केलेटल. स्केलेटल. ठीक है, स्ट्राइएशंस. तीन वर्ड है. आप अपनी मर्जी से हैंड एंड लेग्स मूव कर रहे हो, दैट मीन्स वॉलेंट्री. ठीक है, स्केलेटल मूव कर रहे हो अपना, दैट इज द स्केलेटल टिश्यू ऑल्सो. स्ट्राइएशंस आर ऑल्सो प्रेजेंट. तो इसमें ऑप्शन गिवन है. ठीक है, तो उन्होंने आपका जो ऑप्शन होगा आपको मतलब इसमें आइडिया लग जाएगा कि स्केलेटल मसल जो है दे कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन्स टू मूव टू द अदर. ठीक है, विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री? सुन लो इनवॉलेंट्री. ये जो क्वेश्चन है दीज आर द मल्टीपल आंसर्स होते हैं जो वो है. सुनो, स्ट्राइटेड, स्मूथ, कार्डियक, स्केलेटल. पहले देखो, स्ट्राइटेड है हमारा वो इनवॉलेंट्री नहीं होता. स्मूथ होता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन है. थर्ड कार्डियक वो भी है, यानी कि ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट. तभी तो कह रही हूँ मल्टीपल आंसर ना. टू एंड थ्री. ए ऑप्शन गिवन है, मतलब नंबर 1, 2, 3, 4 लिखे हैं. स्ट्राइटेड, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल. फिर ए ऑप्शन गिवन है 1 एंड 2. बी ऑप्शन गिवन है 2 एंड 3. ठीक है, ये मल्टीपल आंसर्स होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर लोकलाइज्ड एंड परमानेंट. नो लिमिटेड सर्टेन रीजन्स.
localized and dividing cells growing in volume. Dividing cell, which is not a function of epidermis. Epidermis का function नहीं है. Protection from adverse condition है कि नहीं है. Gaseous exchange, conduction of water. ट्रांसपीरेशन, गैस एक्सचेंज होती है, वॉटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती. वॉटर कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल. देखो प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स हो गया, वो हमें करेगा, ठीक है. गैसेस एक्सचेंज होएंगी, ठीक है. एपिडर्मिस हम बात कर रहे हैं, ट्रांसपीरेशन होएगी, ठीक है. कंडक्शन ऑफ वॉटर नॉट पॉसिबल थ्रू द एपिडर्मिस, ठीक है जी. सेलेक्ट द इनकोरेक्ट. Blood has a matrix containing proteins, salts, and hormones. Two bones are connected by ligaments. Tendons are non-fibrous tissue and fragile. ये false है. Tendons are fibrous tissue. कौन कौन से fibers होते हैं? Cartilage is found in. Cartilage is not found. अच्छा, nose के अलावा और किसमें present है? Ear. और किसमें है? किसमें? Joints में भी है. कहाँ present नहीं है? सुनो, nose, ear, kidney, larynx. Fats are stored in human body as a fats in the form of which tissue? इंसुलेटिंग करते, लेकिन एडिपोज टिश्यू. बोन मैट्रिक्स इज रिच इन कैल्शियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस. बोन मैट्रिक्स इज रिच इन कैल्शियम एंड फास्फोरस. ये आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं. कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स नहीं, ये दूसरी है. कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन कॉन्ट्रेक्टाइल, ब्लड में, बोन्स में, मसल्स में, कार्टिलेज में. मसल्स में, क्योंकि वही कंट्रेक्शन रिलैक्स है. Voluntary muscles are found in alimentary canal, limbo, iris, bronchi. Limbs. Limbs. Alimentary canal, limbs, iris, bronchi. ध्यान रखो. Nervous tissue is not found in brain, spinal cord, tendons and nerves. Nerve cell does not contain axon, nerve ending, tendons, dendrites. Tendon. Which of the following helps in the repair, helps in repair of tissue and help in space inside the organs? Tendons, adipose tissue, areolar cartilage. कल भी करवाया था. Areolar. कल भी कराया था. Helps in the repair and fills the spaces in between. ठीक है, organs ये मैंने कल भी बताया. Muscular tissue which function throughout the life continuously without fatigue. Cardiac. Which of the following cell is found in cartilaginous tissue of the body? Cartilaginous tissue of the body, कौन से cell मिलते हैं? Mast cell, basophil, osteocyte, chondrocytes. Mast cell का function क्या है? हाँ, osteocytes किसमें होते हैं? Osteocytes किसमें होते हैं? बोन्स. ऑस्टियोपोरेसिस बताया था ना. बोन्स, ऑस्टियो, साइट्स मीन सेल, बोन सेल्स. कॉन्ड्रो, वहां कार्टिलेज का जब हमने डायग्राम बनाया था वहां हमने कॉन्ड्रोसाइट्स बनाए थे. लेकुना वाला डायग्राम जो कल परसों भी बनवाया, याद है? ऐसे करके फिर हमने बीच में कॉन्ड्रोसाइट्स बनाए थे. वो किसका था डायग्राम? कार्टिलेज. बोन्स में ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज, ठीक है. बेसोफिल हो गया, डब्ल्यूबीसी. मास्ट सेल जो होते हैं वो उसमें हमने करे थे. नहीं नहीं, इन सम ऑफ द, मतलब व्हेन यू आर सर्चिंग इट तो यू, हाँ, यू सॉ द क्वेश्चंस बट इट वी हैड नॉट डन. दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज, फ्लोएम फाइबर्स आर द डेड. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी? Companion cell, RBCs, vessels, sieve tube. Does not lose their nucleus at maturity.
कंपेनियन सेल. इन डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लूज गेट्स रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल स्टोमेटा लिग्निन सुब्रिन. क्यूटिकल लेयर होती है. स्टोमेटा कहां से आ गया? डेजर्ट में कहां से होती है? क्यूटिकल. A long tree has several branches. The tissue that help in the sideway conduction of water. Tree has a several branches. Tissue that help in the sideway conduction of water in the branches is parenchyma, xylem, parenchyma, parenchyma, xylem, vessel. Parenchyma कैसे हो जाएगा? Xylem, vessel. If the tip of the sugarcane plant is removed, xylem, vessels. If the tip of the sugarcane plant is removed from the field, even then it keeps on growing in length. It is due to the presence of कौन सा? Apical intercalary lateral intercalary. हम A nail is inserted in the trunk of tree, ठीक है, at a height of 1 meter from the ground level. After 3 years, the nail will कहाँ होगा? आपने डाला, ठीक है, 1 meter height पे उसको nail को insert करा. After 3 years, tree में. After 3 years, the nail will एक nail लिया, trunk, यानी कि tree की trunk में insert करा, 1 meter height पे. ठीक है, 3 साल के बाद वेयर इज द नेल? रिमेन्स द सेम पोजीशन. ट्री कैसे होगा? ट्री ट्री ट्रंक आई एम सेइंग, जो कि आफ्टर दैट ग्रोथ जो स्टॉप हो गई. हाँ, ठीक है,